पिछले 4 हफ्ते से देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली तो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 50 से ज्यादा की तो मौत हो गई। देश में मिल रहे केसेस में से 68% सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और यूपी के हैं। दिल्ली में कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है। आमतौर पर यह रेट 4 से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन WHO कहता है कि अगर ये 5% से ज्यादा होता है तो स्थिति काफी बिगड़ जाती है। इसके अलावा देश के 2 और राज्यों राजस्थान और MP में कोरोना के मामलों में काफी तेजी आई। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केस 155% और MP में 132% बढ़े हैं, जो एक खतरे का संकेत है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के औसतन 1,000 से भी ज्यादा केस मिल रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली में 9,684 कोरोना केस सामने आए। ये देश में मिल रहे कुल मामलों का 43% है। वहीं दिल्ली के 11 में से 7 जिलों का वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा रहा। इस हफ्ते MP में कोरोना केस काफी तेजी से बढ़े हैं। राज्य में पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केस 200% तक बढ़े। जहां 26 अप्रैल तक सिर्फ 75 एक्टिव केस थे, वहीं 27 अप्रैल से 3 मई के बीच 203 कोरोना केस हो गए। 1 हफ्ते पहले जहां सिर्फ 18 जिलों में एक्टिव केस थे, अब 21 जिले ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक एक्टिव केस तो है ही। राजस्थान में पिछले हफ्ते कोरोना के कुल 360 मामले मिले। ये इसके पिछले हफ्ते आए 141 केसेस से 155% ज्यादा है। वहीं 5 मई को कोरोना के 63 नए केस मिले हैं। फिलहाल राजस्थान में 500 एक्टिव केस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। ऑफिस खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और इसी वजह से केसेस भी बढ़ने लगे हैं। चौथी लहर आए ना आए, आप मास्क और सैनिटाइजर जरूर लगाएं। 2 गज दूरी मास्क अभी भी है जरूरी।